हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इंदकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम ये देख सकते हैं मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं जिससे कि और ये बेहतरीन काम करेगा। तो जिसके जिसके पास है दोस्तों वो आप वीडियो ज़रूर देखिए, ये काफ़ी लाभकारी होगा और बहुत अच्छा यूज़फुल गैजेट एक प्रकार से हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले दोस्तों हम ओपन करेंगे। ये मल्टीमीटर बिल्कुल भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो है वोल्टेज वो बता रहा है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। पहले इसको हटाने का कोई इसमें काम नहीं है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें इतना सिस्टम जो है लगा होता है। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। इस बैटरी को हम फ्रेंड्स अभी आने वाले समय में रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे इसको रिचार्जेबल। इसको आप चार्ज भी कर पाएंगे। तो आने वाले समय में वीडियो हम लाने वाले हैं, तो इसलिए जो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको ये वीडियो मिल पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मॉडिफिकेशन है उसको हम करते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सब कुछ यही रहेगा। केवल हमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पर वायर लगाना है। ये वायर कहाँ क्यों लगाना है दोस्तों? ये वायर लगाना है एम्पियर के लिए। तो अभी हम लगाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद एक और मल्टीमीटर लेकर आपके सामने टेस्ट करा के दिखाएंगे क्या सचमुच एम्पियर में सही से कुछ सुधार आया है या नहीं। तो आज की वीडियो सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ये लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये निकल भी जाएगा। इसको इसके अंदर हम फिक्स करने वाले हैं, इसके अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों होल्ड कर लेते हैं और इसको हम फिक्स कर लेते हैं। इसको भी आप फिक्स करना आसान है, या तो आप डायरेक्ट वायर भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लगाकर फिक्स कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों जो ये एम्पियर का वायर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, एक यहाँ पर हमने लगाया है इस वाले पॉइंट पर, और एक हो गया इस वाले पॉइंट पर लगाकर सीधे यहाँ पर लगा दिया हमने, ठीक। ऊपर हो गया प्लस वाला, जहाँ से ऊपर है यहाँ पर, और नीचे का मतलब कॉमन हो गया। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ एम्पियर है। अब हमें है टेस्टिंग के बारे, इसको हम बंद कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स जो है यहाँ पर इसको जैसे था लगा देते हैं। एक मल्टीमीटर ये हो गया, एक मल्टीमीटर ये हो गया नॉर्मल। अब दोनों को रखेंगे फ्रेंड्स एक जगह है, और दोनों में हम क्या करें फ्रेंड्स, एक बैटरी लेकर वोल्टेज पर टेस्ट कर लेंगे। इसको भी 20 पे सेकेंगे, इसको भी 20 पर हम सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं 2.9 वोल्टेज आ रहा है, और इस वाले में देखते हैं कितना आ रहा है। तो हमें वोल्टेज नहीं मेजर करना है फ्रेंड्स, एम्पियर मेजर करना है। 2.97 सेम वोल्टेज आ रहा है फ्रेंड्स, वोल्टेज यानी मल्टीमीटर सही से काम कर रहा है। अब जो एक्स्ट्रा हमने फीचर्स लगाया है इसके लिए ये है यहाँ पर, तो इसका हम वायर निकाल देंगे, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर ज़्यादा वायर दिखे। यहाँ पर केवल हमें लगा देना है, ये लग गया फ्रेंड्स। क्योंकि अगर वायर निकालते तो ताम झाम होता फ्रेंड्स, कहीं ले आने में भी दिक्कत होता। और यहाँ पर है हम डायरेक्ट निकाल देंगे, केवल ये थोड़ा सा पेन निकला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसे। ये एम्पियर हो गया टेस्टिंग की बारी। अब हम सोलर पैनल का जो वायर लाएंगे, इसमें फ्रेंड्स धूप भी है अच्छा खासा, तो आज एम्पियर जो अच्छे से टेस्ट होगा कितना एम्पियर आ रहा है। पहले वोल्टेज हम टेस्ट कर लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है दोस्तों सोलर पैनल में। यहाँ पर है ये वोल्टेज में से 21.8 वोल्ट है, 21.87 वोल्टेज आ रहा है। अब एम्पियर टेस्टिंग की बारी है, तो इसको हम एम्पियर पर सेट कर देते हैं 10 एम्पियर, मैक्सिमम 10 एम्पियर देखिए। पहले इसे हम टेस्ट करेंगे नॉर्मल वाले से जो मल्टीमीटर है, ये हो गया। तो यहाँ पर लगा देते हैं फ्रेंड्स, और एक है वायर यहाँ पर लगाएंगे। ये देख सकते फ्रेंड्स धूप है, इसमें 3:30 बज रहा है, लगभग 4 बजने में 20 मिनट बाकी है, 3:40 हो रहा है। तो ये एम्पियर जो फ्रेंड्स है यहाँ देख सकते हैं 3.99, लगभग 4 एम्पियर ये आउटपुट दे रहा है इस मल्टीमीटर से, जो कि वायर इसका भी कमज़ोर है। जो वायर आया है सोलर पैनल से, ये भी कमज़ोर है। सोलर पैनल के पास जाएंगे तो वहाँ पर 7 से 8 एम्पियर जरूर देगा, क्योंकि मोटा वायर है। और इसका जो होता है कॉपर का वायर नहीं होता है, इसका बैटरी का वाला वायर जो आता है सोलर पैनल का अलग आता है। और इस पर टेस्ट करेंगे हैं, ये अच्छा खासा है, लगा कर छोड़ देंगे हम। अब सही है, ये देख सकते हैं 3.59 एम्पियर जो हमने मोटा वायर रेफरेंस निकाला है। तो इससे जो एम्पियर हमें दिखा रहा है 3.58, और यहाँ पर जो दिखा रहा है दोस्तों 3.93 एम्पियर। यहाँ पर ज़्यादा एम्पियर हो रहा है, वहाँ पर कम एम्पियर हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह से शॉर्ट है। ये है इसमें कुछ रेजिस्टेंस बना रहा है फ्रेंड्स, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा एम्पियर शो हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अब यहाँ पर हम टेस्ट करके इसका भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोनों उपाय है।
इसके वायर से भी हम चेक कर ले रहे हैं कि इसके वायर से कितना दिखा रहा है। एक ही मल्टीमीटर आपके पास होगा तभी आप टेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से निकाल कर। यहाँ से और यहाँ से चेक करेंगे दोस्तों, 3.59। ये क्या है? और जो यहाँ पर है इसको हम लगाएंगे दोस्तों 3.576, यानी 1-2 एम्पियर का इसमें वो फर्क है। तो सब मिलाकर दोस्तों आपने देखा कि वायर जो है इसे निकालने से कोई फायदा नहीं हुआ। यही वायर का काम कर जाएगा, लेकिन 10 एम्पियर ज्यादा ये हीट होता है, ये हीट नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई भी मतलब नहीं है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा ये या नहीं। इसको लगाना, हमारे हिसाब से इसको लगाने से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी फर्क नहीं समझ में आया। एम्पियर का मतलब होना चाहिए कि इस वायर से अगर हम नाप रहे हैं तो आता है 5 एम्पियर, और जो हम लगा दिए हैं तो इससे आना चाहिए और ज़्यादा, 6-7 एम्पियर आना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, तो कोई फर्क देखने को हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से मल्टीमीटर है आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं, एकदम मस्त होगा। तो फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में हम रिचार्जेबल मल्टीमीटर बनाकर दिखाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, बेल आइकन घंटा भी उसको दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। जो लोग नए हैं और यहाँ तक देख रहे हैं, पुराने भी हैं, तो सबको दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।